क्वेश्चन है कि थ्री सेल्स ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट 1.8 वोल्ट और 1.5 वोल्ट सीरीज में है, इंटरनल रेजिस्टेंसेस तीनों की गिवन है। इफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम तो आपको ये बताना है कि रीडिंग ऑफ एमीटर क्या होगी। पहले ये बताओ ये तीन बैटरी बिल्कुल सीधी कनेक्टेड है सीरीज में, तो टोटल ईएमएफ क्या होगी 2 + 1.8 + 1.5, और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी दिस प्लस दिस प्लस 4, यहाँ पे 4 भी आएगा +4 5.75। तो टोटल करंट क्या होगा, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस करंट आ गया, तो एमीटर की रीडिंग आ गई टोटल करंट। पहला पॉइंट यहां तक क्लियर है, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, इसी के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है कि इफ थ्री सेल्स सीरीज की जगह पैरेलल में होते वुड दे बी करेक्टराइज बाय अ डेफिनेट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। यस, तीन की जगह वो कह रहे हैं अगर आप एक बैटरी लगाए हैं तो उसकी कोई डेफिनेट ईएमएफ आएगी आएगी और रेजिस्टेंस आएगी आएगी। कह रहे अगर आएगी तो फिर आपको ये बताएं कि हर ब्रांच में फिर करंट क्या होगा पैरेलल में, वो हम नहीं अभी कर पाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा किरचॉफ लॉ। तो इस सेकंड पार्ट को छोड़ दें, फर्स्ट पार्ट क्लियर है इसका सीरीज वाला। जैसे ये क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल बैटरीज ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट ईच, 1.5 1.5, टू आइडेंटिकल बैटरीज आर जॉइंड इन पैरेलल, ये पैरेलल में कनेक्शन है, टू एन एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ टू रेजिस्टेंसेस 12 ओम ईच जॉइंड इन पैरेलल। तो 1.5 1.5 है, स्मॉल आर है और ये स्टारा और स्टार है, ठीक, एक्सटर्नल। तो अब इस केस में आपको क्या निकालना है, वो कह रहा है कि क्योंकि इसमें से करंट बाहर निकलेगा सर्किट में जाएगा तो ये 1.5 वोल्ट शो नहीं कर पाएगी, ये कितना शो करेगी 1.4, इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको क्या बताना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी की वैल्यू बतानी है। पहली बात, हम दो बैटरी में काम नहीं कर पाएंगे, दो की जगह पहले एक लगाएं, दो की जगह जब एक लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या किया था, E1 R2 E2 R1 by R1 plus R2, तो E1 पता है R1 पता है E2 पता है R2 पता है, वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज पुट करके आपके पास ये आपने यहां पर वैल्यूज पुट की तो R से R कैंसल, आंसर फिर से क्या आ गया 1.5, ठीक है। एक शॉर्टकट याद रखें प्लीज, क्या शॉर्टकट है कि अगर आपके पास बिल्कुल आइडेंटिकल बैटरीज हैं 1.5 1.5 1.5 1.5, स्मॉल आर आइडेंटिकल है और पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर वही आएगा 1.5 ही आएगा, जितनी मर्जी बैटरी लगा लो पैरेलल में। अगर अनआइडेंटिकल है फिर आंसर डिफरेंट आएगा, आइडेंटिकल में आंसर सेम आएगा। तो अगर ये आइडेंटिकल 1.5 1.5 है तो आंसर ये करने की जरूरत नहीं है, आंसर हमेशा 1.5 आएगा, क्लियर है शॉर्टकट। लेकिन स्मॉल आर नहीं, स्मॉल आर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट क्या आएगा R/2, क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक, ठीक है, क्योंकि पैरेलल के अंदर तो R/2 आएगा ही आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन के अंदर स्टारा और स्टारा पैरेलल में है ये भी हमें पता है तो आंसर क्या आएगा 8.5। तो क्या मैं इसमें ऐसा बोल सकता हूं कि ये एक रेजिस्टेंस है कैपिटल आर 8.5, नीचे एक बैटरी है बस एक ही बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R/2 और ईएमएफ कितनी 1.5 वोल्ट, बस ये डायग्राम बन गया और मुझे R/2 निकालना है। R/2 का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज कितनी है R-I की बात है, तो मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस R- है 1.5 है और ये, और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अगर इसमें से करंट बाहर निकला तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। हमने किया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो 1.5 की जगह क्या हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, क्लियर है यहां तक। अब ये बताओ, हमने एक शॉर्टकट किया था, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था E/V -1 × R, याद है फॉर्मूला, जिसमें मैं नोट करो, नोट किया होगा ये प्रूफ किया था। अब मेरे इस क्वेश्चन में R- की जो वैल्यू है, R- की वैल्यू किसके इक्वल है R/2, ई किसके इक्वल है 1.5, V किसके इक्वल है 1.4, कैपिटल R किसके इक्वल है 8.5, सॉल्व करके क्या जाएगा
आर की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां से सॉल्व करके आर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? यस यस सर। तो आप ना ये क्वेश्चन इसमें लगा के देखें, सेम क्वेश्चन है, बस बैटरी दो की जगह बैटरी चार है, क्या फर्क पड़ता है, आइडेंटिकल है। पढ़े क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फोर आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ 2 वोल्ट आर ज्वाइंट इन पैरेलल। तो चार इसमें बैटरीज हैं और ये पैरेलल में है और कंसिस्टिंग ऑफ 15 ओम रेजिस्टर ज्वाइंट इन पैरेलल, 15-15 ओम है। टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज ऑफ दिस सेल किसके इक्वल है, 1.6 वोल्ट है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 1.6 वोल्ट है। कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। तो इंटरनल सेम क्वेश्चन है। तो पहली बात, रूल नंबर वन, इन चारों की जगह एक जब लगेगी बैटरी, ये वाला फॉर्मूला E1 R1 E2 R, आंसर पता ही है क्या आएगा, E आएगा, आइडेंटिकल है। तो रेजिस्टेंस इंटरनल पैरेलल में आंसर R/4 आएगा। तो इन चार बैटरी की जगह जब एक लगेगी तो टोटल EMF E है और R/4 है और इसकी जगह पैरेलल में 7.5 है। अब मुझे पता है जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो उसका फॉर्मूला कैपिटल R E/V -1। तो E इक्वलेंट दो क्वेश्चन में गिवन है, टर्मिनल 1.6 गिवन है, R इक्वलेंट आपने निकाल लिया कितना, एक्सटर्नल कितना है 7.5 और इंटरनल कितनी है R/4। सॉल्व करके R की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है। वैसे हिंट दे देता हूँ, ये दो बैटरीज हैं, दो बैटरीज उल्टी कनेक्टेड है सीरीज में, ये देखो प्लस माइनस माइनस प्लस। तो आपकी नेट ईएमएफ क्या होगी इसमें, बड़ी में से छोटी को माइनस, तो 8 में से 4 माइनस तो 4 और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1.5। क्लियर है यहां तक? तो ये यहां से होमवर्क करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार, नहीं इस क्वेश्चन को भी होमवर्क लिखें, इसे देखें। क्वेश्चन में आपको दो बैटरीज गिवन है E1 और E2। अब ध्यान से देखना, माइनस प्लस प्लस माइनस उल्टी बैटरीज कनेक्टेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, उल्टी बैटरीज कनेक्टेड है, मैं लिख दिया 2 वोल्ट की और 4 वोल्ट की है। क्वेश्चन में आपको R1 R2 कैपिटल R सब कुछ गिवन है, आपको निकालना है करंट इन दी सर्किट। रूल नंबर वन, क्योंकि बैटरीज उल्टी कनेक्टेड है तो 4 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। और पोलैरिटी कैसी दिखेगी, जो बड़ी बैटरी की, बड़ी बैटरी का प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, R इक्विवेलेंट में R1 प्लस R2।
और कैपिटल आर इज इक्वल टू 5 गिवन है, तो करंट क्या होगा, टोटल ईएमएफ 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक आंसर आ गया। ठीक है यहां तक। अब नेक्स्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसमें, बी और ए में और ए और सी में। अब ये ध्यान से देखना, इसके लिए इस नोट को पढ़ो। नोट क्या है, अगर मान लो आपके पास एक वायर है जिसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल एकदम बराबर है, और अगर इसमें रेजिस्टेंस है और करंट जा रहा है, तो ओम लॉ के अकॉर्डिंगली वी ए माइनस वी बी इज आई इन टू आर। वी ए माइनस, क्योंकि ये बड़ा पोटेंशियल है छोटा, करंट बड़े से छोटा जाता है, तो वी ए माइनस वी बी इज आई इन टू आर। आई आर को लेफ्ट पे ले जाओ, वी बी को राइट पे ले जाओ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, एक ही बात है। तो इन स्टेड कि आप ओम लॉ ऐसे लगाओ, आप एक नया रूल सीखो। आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना चाहते हो, वी ए हायर पोटेंशियल पे है, वी बी लोअर पे है, अगर इन दोनों को इक्वेट करना है तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या, आई आर। और वैसे भी किरचॉफ लॉ क्या कहता है, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आई आर क्या होगा, नेगेटिव। तो वी ए माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी। अब जैसे मैं लगा के दिखाता हूं, जैसे मान लो आपको बी से ए पे जाना है, ये ध्यान से देखना प्लीज, आपको बी से ए पे जाना है, तो वी बी करंट बी से ए जा रहा है, तो वी बी हायर पोटेंशियल है, वी ए लोअर पोटेंशियल है, तो वी बी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आई इंटू आर टू, वी बी माइनस आई इंटू आर टू। फिर बैटरी आ गई माइनस से प्लस, तो प्लस ई टू, और फिर पॉइंट आ गया ए इज इक्वल टू वी ए। किरचॉफ लॉ की तरह ही है, रूल वही है सेम। तो वी बी माइनस आई आर टू प्लस ई टू इज इक्वल टू वी ए। तो यहां से वी बी माइनस वी ए एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, आपको क्वेश्चन में करंट पता है, आर टू पता है, ई टू पता है आंसर। फिर लगाओ ए और सी पे लगाना, वी ए प्लस से माइनस, तो माइनस ई वन, करंट की डायरेक्शन में माइनस आई इंटू आर वन इज इक्वल टू वी सी। तो यहां से वी ए माइनस वी सी की वैल्यू आ जाएगी। ये तरीका है जिससे कि आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, बहुत सही तरीका है ये। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, ये सारे क्वेश्चंस आपके अब जो बचे हुए हैं वो होमवर्क है, यहां तक, एट तक, एट तक, इसके आगे नहीं करने, एट तक। इसके बाद जो नेक्स्ट आपने काम करके लाना है, शीट नंबर 20, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 20, ये सारी करके लानी है। तो सीरीज पैरेलल की पुरानी असाइनमेंट है, सीरीज पैरेलल की, तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर, सॉरी सब्जेक्टिव शीट नंबर 20, सब्जेक्टिव 20, इसके डाउट्स लेंगे। और आपने करके लाना है शीट नंबर 23, शीट नंबर 23 के सिर्फ पहले तीन चार क्वेश्चन। शीट नंबर 23 में सेल्स की शीट है ये, जो आज हमने कॉन्सेप्ट किया उसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नहीं, ये तो अब कर रहे थे हम शायद अभी, वही है ना ये शीट, अच्छा ये एक मिनट, ये 22 है, सॉरी 23, शीट नंबर 23 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, पहले पांच क्वेश्चन करने हैं बस।